जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं जैसे पनीर बटर मसाला शाही पनीर बटर चिकन या फिर मलाई कोफ्ता ये सारी डिशेस सर्व की जाती हैं किसी न किसी ग्रेवीज में जैसे मखनी ग्रेवी वाइट ग्रेवी येलो ग्रेवी या रेड ग्रेवी तो आज मैं लेकर आई हूँ तीन इंडियन बेसिक ग्रेवी जिससे आप बना सकते हैं पचास से भी ज्यादा वेज और नॉन वेज रेसिपी वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तो चलो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए पहली ग्रेवी है मक्खनी ग्रेवी इसके लिए मैं ले रही हूँ दो मीडियम साइज के प्याज और टमाटर प्याज और टमाटर का रेशियो जस्ट डबल रखना है यानी जितना प्याज लिया है उसका दो गुना आपको टमाटर लेना है अब एक पैन में डालें तेल और तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले इसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग शाहजीरा दालचीनी डाला है मैंने साथ ही तेज पत्ता अब मसालों के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ के प्याज जिसे हमने रफली कट कर लिया है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है अब इसमें डालेंगे अदरक लहसन और हरी मिर्च तो हरी मिर्च मैं सिर्फ एक डाल रही हूँ आप चाहें तो दो तीन डाल सकते हैं अब इसमें डालना है दस से बारह काजू और एक टेबल स्पून मेलन सीड यानी खरबूजे का बीज और इसे भी थोड़ी देर फ्राई करें अब डालेंगे टमाटर जिसे हमने रफली कट कर लिया है मिक्स करें इसे थोड़ा नमक डालें जिससे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए मिला लें इसे भी और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक कुक करें जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाएं। दो मिनट तक कुक करने के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं तो आप फ्लेम को बंद करें और ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना है और इसमें से सारे खड़े गरम मसालों को बाहर निकाल दें अब तो एक ग्राइंडिंग जार में इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है देखिए इस तरह का और अब एक बोल में रखें छन्नी और इन सारे मसालों को हमें अच्छे से छानना है क्योंकि मखनी ग्रेवी होती है बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाली तो इसे इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है ताकि प्याज और बाकी चीज़ें हैं ना उसके छिलके वगैरह होते हैं वो बाहर निकल जाएं थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से इसे छान लें तो देखिए इस तरह का स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए ऐसा बनाकर आपको तैयार करना है अब एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें बटर क्योंकि हम मखनी ग्रेवी बना रहे हैं तो बटर डालना तो ज़रूरी है और इसमें डालेंगे दो चम्मच ऑयल ताकि बटर है ना वो जले ना क्योंकि डायरेक्ट आप बटर डालेंगे ना तो मसाले जब इसमें जाएंगे तो ये जलने लगेंगे अब डालना है एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर तो इस वक्त फ्लेम को एकदम लो कर दें ताकि मसाले जले ना ऑयल में डायरेक्ट मसाले डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और कश्मीरी रेड चिली पाउडर का कलर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है तो उसे ज़रूर डालें और अब डालना है धनिया पाउडर एक चम्मच और जीरा पाउडर वो भी एक चम्मच और इसे मिक्स कर लें एकदम लो फ्लेम पे और अब जो मसाले हमने तैयार किए थे ना उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करना है जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लगे और ये पैन को छोड़ने ना लगे देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा नमक डालें तो ध्यान रखें नमक हमने पहले भी डाले थे और अब डालना है इसमें एक चम्मच चीनी तो मखनी ग्रेवी थोड़ी सी आ, स्वीट होती है थोड़ी सी आ, उसमें स्वीटनेस होता है तो उसे ज़रूर डालें और अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी जो मखनी ग्रेवी में बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इसे ज़रूर डालें और इसे इस तरह से हाथों से रगड़ कर डालें इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस होता है अब बारी है इसमें दो टेबल स्पून के करीब मलाई डालने की तो ये घर की मलाई है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो मार्केट वाली भी डाल सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर और फ्राई कर लें तो हमारी मखनी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है देखिए कितना बढ़िया कलर है और इसमें आप बना सकते हैं बहुत सारी रेसिपी जैसे बटर पनीर मसाला बटर चिकन शाही पनीर पनीर मखनी मटर मशरूम या मेथी मटर मलाई दूसरी ग्रेवी है व्हाइट ग्रेवी इसके लिए एक पैन में दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया है और उसे डाल रही हूँ दस से बारह लहसुन की कलियाँ डालें थोड़े से अदरक के टुकड़े डालें दो हरी मिर्च और साथ ही दस से बारह काजू और एक टेबल स्पून खरबूजे के बीज और खड़े गरम मसाले हमें डालना है लौंग इलायची और शाहजीरा दालचीनी ये सब चीज़ें और साथ ही डालेंगे हम तेज़पत्ता थोड़ा सा नमक डालें तीन से चार चम्मच इसमें पानी डालें और कवर करके लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है जब तक कि सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो दो से तीन मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो फ्लेम को अब बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे इसमें से सारे खड़े गर्म मसालों को हम निकाल देंगे उसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे और अब एक ग्राइंडिंग जार में इसे ट्रांसफर करें और यहाँ मैं डाल रही हूँ तीन से चार चम्मच फ्रेश दही दही को आप बाद में भी डाल सकते हैं और अब इसे ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है देखिए कुछ इस तरह का अब एक पैन को गर्म करें और उसमें डालेंगे करीब दो टेबल स्पून ऑयल और ऑयल के गर्म होते ही सारे मसाले जो हमने ग्राइंड करके तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए बढ़िया से इसे फ्राई करना है जब तक कि मसाले पैन को छोड़ने ना लगे देखिए इस तरह से और बीच बीच में इसे चलाते रहें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इसे भी मिक्स कर लें साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच चीनी तो ये वाइट ग्रेवी भी थोड़ी सी स्वीट होती है इसलिए इसमें एक चम्मच चीनी भी ज़रूर डालें अब मिक्स कर लें इन सब चीज़ों को अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश मलाई और इसे भी मिक्स करें तो मैंने घर वाली मलाई का इस्तेमाल किया है आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं अब मसालों को बढ़िया से हमें फ्राई कर लेना है अब डालेंगे तीन से चार चम्मच पानी क्योंकि मसाले काफी थिक हो गए हैं और इसे थोड़ी देर और कुक करना है तो बीच बीच में इसे चलाते रहें तो हमारी वाइट ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई है और आप इसमें बना सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज जैसे मलाई कोफ्ता अफगानी चिकन मेथी मलाई पनीर नवरत्न कोरमा खोया मटर और भी बहुत सारी रेसिपी थर्ड ग्रेवी है येलो ग्रेवी इसके लिए एक कढ़ाई में तेल डालें और तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है पतले पतले कट कर लिया है और अब इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे यानी हमें ब्राउन अनियन बनाकर तैयार करना है जैसे हम बिरयानी में यूज़ करते हैं ना उसी तरह का इसे लगातार चलाते रहें और इसे जलने ना दें अब तेल काफ़ी गर्म है तो इस वक्त मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे लगातार चलाती रहूंगी। तो देखिए ये का, ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे आप चाहें तो थोड़ा सा और ब्राउन कर सकते हैं पर मैं इसी टाइम पे इसे निकाल रही हूँ और इसे ठंडा होने के बाद हमें ग्राइंड करना है तो पहले इसे बाहर निकालें उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें अब एक ग्राइंडिंग जार में सारे प्याज को हम डाल देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है काजू मेलन सीड यानी खरबूजे का बीज और थोड़ा सा खसखस -खस। इसे हमने एक घंटे के लिए सोख कर दिया था गुनगुने पानी में इसे भी हम इसमें डाल देंगे और एक स्मूथ पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है अगर ज़रूरत हो तो एक दो चम्मच आप पानी मिक्स कर सकते हैं देखिए इस तरह से बनाकर तैयार करना है अब एक पैन में डालें खड़े गरम मसाले मैंने दो टेबल स्पून तेल का इस्तेमाल किया है और मसालों के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है यानी टमाटो प्यूरे आपको डालना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अब इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स करें और थोड़ी देर फ्राई कर लें अब डालें नमक तो स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसे भी मिला लें मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम डालेंगे वो मिक्सचर जो हमने ग्राइंड करके रखे थे और इसे भी अब हमें अच्छे से फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए तो इसे अच्छे से फ्राई करें अब इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम दो टेबल स्पून और इसे भी मिला लें तो ये मैं घर की यूज़ की हुई मलाई डाल रही हूँ आप मार्केट वाली भी डाल सकते हैं मिक्स कर लें इसे अच्छे से तो देखिए मसाले बनकर तैयार हो गए हैं और ये पैन को भी छोड़ने लगे हैं तो आप फ्लेम को बंद कर दें और इसमें आप बना सकते हैं बहुत सारी रेस मशरूम मसाला कढ़ाई चिकन पनीर पसंदा और वेज कोरमा इन तीनों ग्रेवीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर करी हुई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा इस तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलिज क्लासिक कुजीन को लाइक करें शेयर करें और बेलाइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए So thanks for watching and bye bye.